इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी अभी पाकिस्तान पर हमला हो चुका है और उस हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है जी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे यह हमला हुआ तुरंत पाकिस्तान की आर्मी अलर्ट में आ गई और पाकिस्तान की आर्मी ने भी करारा जवाब देने का वादा किया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया विभाग को इसके बारे में पता ही नहीं था और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की आर्मी बदला लेने के बारे में बोल रही है। इस वक्त की बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस हमले में बताया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी की मौत हो चुकी है तो वहीं पर 4 आर्मी जवान भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। अब इन सभी चीज़ों के बाद पीओके में भी फिर से एक बार पाकिस्तान के विरोध में लहर उठ खड़ी हुई है और पीओके वालों ने साफ तौर पर भारत से यह मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें आज़ाद किया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर टीपीपी ने हमला किया है और यह बहुत ही बुरी बात है क्योंकि पाकिस्तान बहुत दिनों से आतंकवादियों से लड़ने में फेल रहा है। जब जब पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ होता है तब तक आतंकवादी पाकिस्तान को बुरी तरीके से पस्त कर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों के बाद जहां एक तरफ टीपीपी पाकिस्तान को बांटने की बात कर रहा है तो वहीं पीओके खुद से अपने आप को अलग करने की बात कर रहा है। इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत का फायदा होगा अगर पीओके खुद ब खुद भारत में आ जाता है।